हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव जी। मैम, आज आपने पदभार ग्रहण किया है उपाध्यक्ष महिला आयोग का। इससे पहले तमाम तस्वीरें आईं, तमाम रूमर्स फैले, वो उमर्स से या सच्चाई थी वो आप बताएंगी, कि आप नाराज़ हैं पार्टी से और आज आपने पदभार ग्रहण किया, क्या कहेंगे? मैं पार्टी संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं महिलाओं के मुद्दे पर काम करती आई हूँ 2013 से, तो ये मेरे साथ कुछ नया नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि महिला आयोग की कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क है, कुछ लीगलिटीज़ की प्रतिबद्धताएं हैं, तो सरकार के साथ हमें किस प्रकार से समन्वय से, और जो हमारी टीम का अभी ज्वाइंट जो निर्णय होगा उसका एक रोड मैप होगा, उसके साथ हम कैसे काम करते हैं। मगर मेरा जो प्रायोरिटी, मेरी इंडिविजुअल प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जितने मामले हैं, जो पेंडिंग मामले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सब कर दूँगी, क्योंकि इसकी भी कुछ मतलब प्रतिबद्धताएँ हैं, बस यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले निस्तारण कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय प्राप्त हो सके, महिलाओं को, महिलाओं के जीवन में बेहतरी हो सके। एकलव और अर्जुन का भी आपने जिक्र किया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या मामला है? मैं सब समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जैसे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सभी फलीभूत होते हैं। और अभी तक, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और जो है उनके जैसे परशुराम जी ने जो है कहते नहीं है कि अपने अंडर ले लिया आपको और आपको काम करने का मौका दे दिया, तो मैं समझती हूँ कि अब जो है उन्हीं के जितने भी शिष्य निकले, तो समझती हूँ कि एकलव्य की तरह थी पहले, मैं अपना जगह जगह काम करती थी, तभी मैंने ये बात बोली कि अब जब उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा तो मैं जो हूँ अर्जुन की तरह काम करूँगी। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं जी। तो ये अपर्णा यादव जी थी, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में काम करती रहूंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा यादव जी। मैम, आज आपने पदभार ग्रहण किया है उपाध्यक्ष महिला आयोग का। इससे पहले तमाम तस्वीरें आईं, तमाम रूमर्स फैले, वो उमर्स से या सच्चाई थी वो आप बताएंगी, कि आप नाराज़ हैं पार्टी से और आज आपने पदभार ग्रहण किया, क्या कहेंगे? मैं पार्टी संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं महिलाओं के मुद्दे पर काम करती आई हूँ 2013 से, तो ये मेरे साथ कुछ नया नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि महिला आयोग की कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क है, कुछ लीगलिटीज़ की प्रतिबद्धताएं हैं, तो सरकार के साथ हमें किस प्रकार से समन्वय से, और जो हमारी टीम का अभी ज्वाइंट जो निर्णय होगा उसका एक रोड मैप होगा, उसके साथ हम कैसे काम करते हैं। मगर मेरा जो प्रायोरिटी, मेरी इंडिविजुअल प्रायोरिटी ये होगी कि मैं जितने मामले हैं, जो पेंडिंग मामले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सब कर दूँगी, क्योंकि इसकी भी कुछ मतलब प्रतिबद्धताएं हैं, बस यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले निस्तारण कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको न्याय प्राप्त हो सके, महिलाओं को, महिलाओं के जीवन में बेहतरी हो सके। एकलव और अर्जुन का भी आपने जिक्र किया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या मामला है? मैं सब समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जैसे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सभी फलीभूत होते हैं। और अभी तक, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता थे, और जो है उनके जैसे परशुराम जी ने जो है कहते नहीं है कि अपने अंडर ले लिया आपको और आपको काम करने का मौका दे दिया, तो मैं समझती हूँ कि अब जो है उन्हीं के जितने भी शिष्य निकले, तो समझती हूँ कि एकलव्य की तरह थी पहले, मैं अपना जगह जगह काम करती थी, तभी मैंने ये बात बोली कि अब जब उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा तो मैं जो हूँ अर्जुन की तरह काम करूँगी। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं जी। तो ये अपर्णा यादव जी थी, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में काम करती रहूँगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।